हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो आपके रिलेटेड रहेगी नॉन टीचिंग पोस्ट से। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th पास है, प्लस टू पास है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, या जो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सारे कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा था, इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस कुछ पोस्ट में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की नीड है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो हम वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मोस्टली पोस्ट में यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं कर रखे कि आपको इस स्पेसिफिक डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस अगर आप 10th पास हो तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस जो आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी मेंशन कर रखी है। प्लस यहाँ पे अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। और ये आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, कितनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, ये सब कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी। बस मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप इन पर्टिकुलर टाइप के पोस्ट को ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर आप 10th पास नहीं हो, फिर भी आप चाहते हो कि हाँ, मुझे 10th पास होने के बाद या प्लस टू पास होने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद मुझे इन पर्टिकुलर टाइप्स की रिक्वायरमेंट है, इन पर्टिकुलर टाइप की जॉब में ही मैं अपना करियर ढूंढ रहा हूँ, तो आप ऐसी वीडियो ज़रूर देखा करो। उससे आपको पता चलता है कि हाँ, आगे उन्होंने मैंडेटरी में तो सपोज उन्होंने 10th या प्लस टू पास की डिमांड करी है, लेकिन वो आपके डिजायरेबल में कुछ आपको कह देते हैं, आपको कुछ कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंक्शंस आने चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें वो कभी कभी डिजायरेबल में मेंशन कर देते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप ऐसे पर्टिकुलर टाइप की वीडियोस देखो, तो आपको पता होगा कि इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए हम इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इन चीज़ों पर अपना वर्क कर सको। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपकी नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो हम रीड करते हैं इसमें कौन सी वेरियस टाइप की पोस्ट है। जैसे मेंशन कर रखा है एडमिन ऑफिसर, लाइब्रेरियन, OMSP इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट, तबला प्लेयर, प्लस MTS दैट इज लैब अटेंडेंट। इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो तो 6 है, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट में जो नंबर ऑफ पोजिशन है वो काफ़ी कम है, दैट इज हर पोस्ट में एक एक पोजिशन ही है। कुछ आपकी अनरिजर्व के अंदर है, कुछ आपकी PWD के अंदर है। आपका जो पे लेवल रहेगा वो भी मेंशन कर रखा है, हर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिफरेंट पे लेवल है। लाइक एडमिन ऑफिसर है, उसका जो पे लेवल है 10 है, लाइब्रेरियन का 10 है, OMSP इंस्ट्रक्टर का 7 है, असिस्टेंट तबला प्लेयर का 4 है, एंड MTS लैब अटेंडेंट का 1 है। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, मैं मानती हूँ काफ़ी कम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो हमें इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, वहाँ से आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, हमारा सिलेक्शन होना नहीं, तो हम क्यों फालतू में अप्लाई करें। आपको उनसे कुछ अलग करना है, आपको ये नहीं सोचना है, और आपको ज़रूर अप्लाई करना है, आपका ज़रूर बेनिफिट होगा अगर आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। प्लस अगर आप एलिजिबल हो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो ही अप्लाई करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे फी मेंशन कर रखी है, जो आप अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट हो तो जो आपकी फीस रहेगी वो 700 रहेगी। कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जा रही है SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इट मीन्स अगर आप अनरिजर्व हो या OBC हो, उसके जो सब मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी पे करनी है, दैट इज 700। प्लस जो आपकी इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, वो होगी आपकी 15th of November। उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मे बी जब ये वीडियो आएगी तब 10 days ही लेफ्ट रह जाएंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है, मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी पोस्ट होगी वो 1 होगी। आपकी जो ये पोस्ट है वो ग्रुप A लेवल की है, जो आपका पे लेवल रहेगा वो 10 रहेगा। प्लस जो आपकी एज लिमिट होगी, अगर आप 35 ईयर्स के हो तो ही आप इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस एज रिलैक्सेशन मिलती है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है OBC ST SC वालों के लिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। डिजायरेबल में क्या रखा है, अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्लस आपके पास इन पर्टिकुलर डिग्री में से कुछ है, लाइक LLB, MBA, MCA, MPhil या PhD आपके पास है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्लस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें मेंशन कर रखा है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ से जाके रीड आउट कर सकते हो। सेकेंड पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन की, इसकी भी जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पोजीशन है वो 1 है। अनरिजर्व कैंडिडेट वाले इसमें अप्लाई कर सकता है। क्लासिफिकेशन ग्रुप A की, पे लेवल आपका 10 रहेगा। यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स।
तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास कोई ना कोई यूजीसी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, लेक नेट या सीएसआई, या अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो आपकी पीएचडी डिग्री है वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए। जैसे कि आपने मेंशन कर रखा है, एक तो आपकी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होनी चाहिए, प्लस आपकी जो पीएचडी थीसिस है उसको कम से कम दो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएटेड कर रखा हो, प्लस आपके कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हो इन रेप्यूटेड जर्नल, प्लस अगर आपने अपने पेपर को रिप्रेजेंट कर रखा हो किसी कॉन्फ्रेंस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डिजायरेबल में मेंशन कर रखा है अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन या नेटवर्किंग और इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो या 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो, किसमें लाइब्रेरी वर्क। जो थर्ड पोस्ट है वो आपकी है ओएमएसपी इंस्पेक्टर की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बन रहेगी। तो इसमें क्लासिफिकेशन मेंशन कर रखी है वो ग्रुप सी की है, जो पे लेवल है वो 7 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मेंशन कर रखी है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से, प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर या टाइप राइटिंग के अंदर, प्लस आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड का थ्रू कॉमन वर्ड्स लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हाई फ्रिक्वेंसी, इस तरीके से मेंशन कर रखी है। प्लस आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इंग्लिश स्टेनोग्राफर। यहाँ पे डिजायरेबल में मेंशन कर रखा है, इट मीन्स अगर आपके पास ये पर्टिकुलर चीजें हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइक अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऑफिस मैनेजमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि पोस्ट है आपकी ओएमएसपी इंस्पेक्टर। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वो असिस्टेंट की है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि अनरिजर्व के अंदर है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में मेंशन कर रखा है आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऑफिस मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो। और जो इसको अप्लाई करने की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी तबला टीचर की, जो आपको यहाँ पे लेवल रहेगा पे का वो मेंशन कर रखा है 4। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है कि आपको तबला बजाना आना चाहिए, प्लस अगर आप या आपके पास डिग्री होनी चाहिए तबला के अंदर, प्लस अगर आप +2 पास हो और आपने तबला कहीं से सीख रखा है किसी गुरु से, तो वहाँ पे आपके पास कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल में डिमांड करी गई है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक और नाल की, नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक, बहुत वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके आप जाके रीड आउट कर सकते हो। आप जाके रीड आउट कर सकते हो। जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिमांड कर रखी है, अगर आप 10th पास हो तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह आपकी पोस्ट रिलीज कहाँ से हुई है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यह आपकी पोस्ट रिलीज हुई है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये काफी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो कॉलेजेस आते हैं लाइक एफिलेटेड कॉलेजेस है, तो वहां से ये आपकी पोस्ट रिलीज हुई है। तो आपको अब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो हम अप्लाई करें या ना करें, आपको जरूर अप्लाई करना है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको जरूर से ज्यादा जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो आप एप्लीकेशन फी पे करोगे वो थ्रू डिमांड ड्राफ्ट पे करना है आपको, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हर पोस्ट के डिफरेंट एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर्टिकुलर साइट पे जाके मिल जाएगा, इस कॉलेज की साइट पे, या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाके भी फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ऑफलाइन फिल करना है, उस फॉर्म को आपको सेंड करना है बाय दिस स्पीड पोस्ट। आपको हैंड डिलीवर नहीं करके आना है, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है नो एप्लीकेंट विल बी रिसीव्ड इन द कॉलेज बाय हैंड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने डॉक्यूमेंट जरूर अप्लाई करना, ये मत सोचना कि डिजायरेबल में मेंशन है मैंडेटरी में मेंशन नहीं है तो मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी जरूर अप्लाई करना, और आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल साइट चेक करते रहने चाहिए। अगर आपको जैसे सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए कोई भी कॉल लेटर आता है उसके लिए वो साइट पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट डेट मेंशन कर रखी है जो कि है 15th ऑफ नवम्बर। आपको फीस मैंने बता दी थी, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सिर्फ अनरिजर्व्ड, और ओबीसी जो कि मेल कैंडिडेट है उनके लिए फीस है वो है 700 रुपीज़,
जैसे आपका जो डेट और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है वो अब तक नहीं आया है, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कॉलेज वेबसाइट पे, उन्होंने कॉलेज वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो इस पर्टिकुलर साइट पे मिल जाएगा, आपको उस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है और स्पीड पोस्ट करा देना है। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इन पर्टिकुलर टाइप की पोस्ट के लिए, कि मोस्टली अगर आपके पास 10th पास हो, प्लस 2 पास हो, तो भी आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप जरूर अप्लाई करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।